नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा पांचवा पॉडकास्ट। हम लगातार तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और उन लोगों से चर्चा कर रहे हैं जो उस विषय से संबंध रखते हैं। आज का विषय राजनीति भी है, महंगाई भी है और बेरोजगारी और बढ़ता अपराध है, जिस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय उदय पार्टी के संरक्षक और महासचिव के पाल जी। जानते हैं उनका राजनीति में आना कैसे हुआ और आखिर घर परिवार, क्योंकि राजनीति आसान नहीं है। राजनीति जब की जाती है तो बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ता है, घर परिवार से दूर रहना पड़ता है, अलग अलग जगहों पे जाकर जनसभाएं करनी पड़ती है, उनके दर्द को सुनना पड़ता है। जानते हैं पाल जी ने कितने दर्द सुने और क्यों राजनीति में है। पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत, सबसे पहले मैं आपके चैनल को, जर्नलिस्ट यूपी न्यूज को जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो विक्रम जी, जो आपने सवाल किया है कि राजनीति में कैसे आए, राजनीति में हम गांव के लोग रहने वाले हैं, गांव-गांव की पीड़ा, असहाय लोगों का दर्द देखा नहीं गया, क्योंकि बड़ी पार्टियां कभी छोटे आदमी को लाइक नहीं करती हैं, ना सुनती हैं उनके। जो भी कानून है वो गरीबों के लिए है, बड़े आदमियों के लिए कानून नहीं है। मैंने बहुत नज़दीक से दर्द सुना उनका, तो इसलिए, क्योंकि पार्टी में जाने से खाली पार्टी का ही काम करोगे, आपको अपने भाई को अगर बचाना है या अपने भाई के परिवार में किसी संघ को दर्द सुनना है तो सुनोगे नहीं, उनका नहीं होगा, खाली अपना ही कर सकते हो। तो इसलिए हम लोगों ने, माननीय बाबूराम पाल जी ने, और 2 अक्टूबर को हमारे जो जितने दर्द पीड़ा उठे हुए आदमी लोग थे, वो सब लोग मिल करके फिर एक योजना बनाई गई। पहले संगठन चला था, उस संगठन के माध्यम से फिर उसके बाद पार्टी बनाई गई, तो पार्टी का नाम राष्ट्र उदय पार्टी, उसमें माननीय बाबूराम पाल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। राष्ट्र उदय जी पार्टी जी, नाम कैसे आया मन में? देखिए, मन में आया, देखिए तो वजह होती है उसी नाम को रखने की। जैसे हम लोगों के एक राष्ट्र में पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी का, जो इसने चाहे पूरब से लगा पश्चिम तक, पश्चिम से उत्तर से दक्षिण तक, जितना उन्होंने कार्य किया है राष्ट्र में, तो इसलिए हम लोगों ने पूरे श्लोक माता जी के अनुसार से इस राष्ट्र उदय का निर्माण किया है, कि राष्ट्र में उन्होंने जितने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, कोई भी मंदिर ऐसा नहीं रहा जो मुगलों के शासन में तोड़ दिए गए थे, उनका जीर्णोद्धार किया। इसलिए हम लोगों ने माता जी के उस पे ध्यान देते हुए, तो हमने राष्ट्र का उदय पार्टी का नाम रखा। इसलिए खाली मंदिरों पर ही ध्यान रहा आपका? नहीं, मंदिर पर नहीं, जो जीर्णोद्धार आज भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदूवादी और हिंदू का जीर्णोद्धार तो भारतीय जनता पार्टी भी करे, कुछ नहीं। ये ना अयोध्या बनारस, भाई ये देखिए, अयोध्या बनारस क्या पहले नहीं था? ये हमको बताइए आप, पहले भी था लेकिन छोटा था ना, बड़ा बना, छोटा नहीं था, बड़ा था, लेकिन कितने मंदिरों को तोड़वा करके उन मंदिर को बनाया है भव्य, कि अपने नाम के लिए, कि मैंने काशी का मंदिर बनवाया, अयोध्या बनाया। बनारस में कभी मंदिर इतने बड़ी बना है, जिनकी जमीनें गई हैं, कम से कम 150-200 मंदिर पूर्व, मतलब ऐतिहासिक मंदिर तोड़ करके, तब विश्वनाथ जी का मंदिर कैसे देखा है बनारस में? बनारस में इतने मंदिर तोड़े हैं इनकी, अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये सत्ता में है, सिंहासन पे ताकतवर है, इसलिए इनकी आवाज को उठा भी नहीं सकता। पाल जी, क्या कल को आप सिंहासन पे बैठेंगे? आप सत्ता के दम में हलक में नहीं रहेंगे क्या? देखिए, मतलब ये से तो कहते हैं तानाशाही नहीं होनी चाहिए, तो कहते हैं आदमी शरीफ तब तक है जब तक उस सीट तक नहीं पहुंच जाता, जैसे पहुंचे तो वही रंग रूप तो देखने को मिलता है। रंग रूप ऐसे नहीं देखे जाते, जैसे उन्होंने कहते मैं चाय वाले का बेटा हूं, अगर ये अगर दर्द उनके अंदर आ जाता
तो आज जो जनता, इतनी गरीब जनता परेशान है, जिसके लिए 5 किलो राशन देना इनको पड़ रहा है कि भूखे न मरे, आज उनके लिए क्या स्कूल, गांव गांव में जो शिक्षा का मंदिर है, उस मंदिर को, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर तो वही शिक्षा मंदिर होता है। अगर शिक्षा नहीं है आपके पास, गरीब के पास शिक्षा नहीं होगी, आप विकास कर ही नहीं सकते, कितना भी आप कर का है नहीं का। गांव गांव में तो हर जगह हम देखे कि सरकारी स्कूल, अब सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम भी कर दिया गया, कहीं नहीं स्कूल मीडियम में किया, एक दो छोड़ करके, जैसे जिले में एक दो कर दिए, बस वही ढोल मंजीरा ले पीटते हुए सारी मीडिया और चैनल वाले ले उसी को ढोते रहते हैं। शिक्षा मजबूत नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है, और शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। शिक्षा मजबूत नहीं है जी, तो के पाल साहब हमारे पास बैठ के तर्क वितर्क कैसे कर रहे हैं बताइए। देखिए, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम आपको सर्वप्रथम, सबसे पहले काम जो हम करेंगे वो हमारी पार्टी काम करेगी वो शिक्षा के ऊपर सबसे सर्वप्रथम। तो सभी कहते हैं भाई, कहने वाले करते हैं। देखिए, जितने लोग ये बड़ी पार्टी वाले हैं तो ये बाहबलियों के माथे, अपने तानाशाही के रवैये के हिसाब से अपना ये कर रहे रवैया, आज तक गरीब की जनता किसकी बात सुन रहे हैं? इतनी बढ़िया सरकार चली, आप तो आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप कौन सा ऐसा बाहुबली है जिसके ऊपर कोई आपराधिक मामला हुआ हो और उस पर कार्रवाई ना हुई हो? देखिए, एक बाहुबली थे जिन्होंने पार कब्जा कर लिया था, सरकार ने रातों रात उस कब्जे को मुक्त कराया, कार्रवाई की। भाई साहब, वो खाली दिखावा के लिए, और अगर बाहुबलियों को मिटाना है, कितने बाहुबली अगर उनके पार्टी के अंदर हैं, आज तक उनके नाम लिस्ट क्यों नहीं उजागर किया गया? आज जितने बाहुबली प्रदेश के अंदर है, मुखिया बैठे हुए माननीय योगी जी, आज तक जितने माफिया है उनके लिस्ट उजागर करिए, करिए उनका काउंटर, क्यों नहीं किया जाता है? जाति देख करके और लोगों को देख करके उसके बाद उनका ये काम करते हैं। देखिए ना, जब आप में बात है, योगी जी की करी दी है जी, तो आप देखिए कि मुख्तार अंसारी जैसा बाहुबली डरने लगा था जेल में, अतीक अहमद जैसा बाहुबली डरने लगा था जेल में। यही तो हम बता रहे हैं, खाली आप जाति देख करके, ये जो बाहुबली है ना, तो बाकी और बाहुबली कहाँ चले गए? बाहुबली इनके लिस्ट में है कि नहीं है, या बाहुबली खत्म हो गए यहाँ से या प्रदेश से? तो मेरी बात सुनिए, हर जाति के लोग बाहुबली हैं, बिल्कुल है, सत्ता के भी बाहुबली हैं। सत्ता में तो सारे सत्ताधारी बाहुबली, जहाँ सत्ता होती वहाँ बाहुबली होता, वही प्रवेश कर देता है, उसके लिए सब ये चीज है। आप सत्ता में आएंगे तो आपकी पार्टी में सवाल ही नहीं उठता, एक भी बाहुबली को एंट्री नहीं होगी, कैसे चलेगी पार्टी? पार्टी चलेगी, ठेका नहीं उठेगा। भैया देखिए, पार्टी फंड नहीं, यहाँ गरीबों की ये पार्टी है, यहाँ एक एक रुपए से ये पार्टी चलेगी और पार्टी सत्ता तक पहुंचेगी। अभी आपको बता दें, एक रुपए की जो कीमत है वो आज लोग नहीं समझ रहे, लेकिन हम गली गली जाते हैं गांव गांव, तो मुझे पता है। अच्छा, पूर्व की सरकारें जब रही हो, 60 साल 70 साल की बात की जाती है, पूर्व में जो सरकार थी केंद्र में, तो बहुत रोजगार दी थी, बहुत आवाज दी थी, बहुत सड़कें बनाई थी, सब कुछ किया था, फिर भी सत्ता से बाहर है आज। और आज सरकार जो मौजूदा है, केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, वो तो काम करती तो कहती लाखों रोजगार दिए हमने और महंगाई को दूर किया है। आजकल गूगल पे सर्च करिए कितने रोजगार दिए हैं। योगी जी ने कहा तो था 2 करोड़ रोजगार नौकरियां मैं हर साल दूंगा, आज कितने साल हो गए, आज कितने साल हो गए हैं सत्ता में, इनको 11 साल होने वाला लमसम, 10 साल पूरे हो गए, 20 करोड़ अगर जनता को आज नौकरी दे होती तो आज जो ये तबाही है बेरोजगारी की, ये नहीं होती। आज एक भी हमको बताइए केंद्र में सरकार की, चाहे रेलवे हो, चाहे बीएसएनएल हो, कोई भी हो। अच्छा, जब सत्ता पक्ष विपक्ष में था, विपक्ष में, तो इसी मुद्दों को लेकर किस तरह से सड़कों पे आता था, देखा कभी आपने? भाई तब देखिए, वो इतनी तानाशाह सत्ता नहीं थी, वो कम से कम आवाज जनता की सुनती थी। ये तो आवाज सुनती है, अरे सड़क पे निकल जाओ तो लाठियां खाओगे, अगर आंदोलन करना चाहो। अभी देखिए 69,000 भर्तियों में क्या हालत है, आज तक दिया कितने साल हो गए? तो सत्ता पक्ष कहता है ना, सपा के लोग हैं भाई, राजनीति कर रहे हैं, सपा के लोग उसमें, सब सपा के लोग हैं। सत्ता पक्ष तो यही कहता है भाई, सत्ता पक्ष कर रहा है तो इसलिए उनको नौकरी ना दो,
मतलब अगर हम लोग हैं तो हमको एक आरोप लगा दे कि विपक्ष के आदमी है, ऐसा तो नहीं है। अगर शिक्षा में उनका अगर वो टीचर के लिए वो आए हैं, वो 70,000 वैकेंसियों में आज तक अपने मनमानी का ही हिसाब से उन्होंने काम किया, बताए काहे नहीं दे रहे, क्या वजह देखते हैं? अब ये आप लोग बताएंगे इसको, आप लोग कम से कम जो हम लोग जनता अगर उठाती है आवाज को तो दबा दी जाती है, तो कौन सुनने वाला है हमको बताइए? चाहे पक्ष सुनना नहीं चाहता, विपक्ष अगर करता है तो उसको उठा के बंद कर दिया जाता है। तो रोजगार नहीं दे रही क्या सरकार? बिल्कुल नहीं, इतनी नौकरियां रोज चार रोज कहीं ना कहीं वो बांटते हैं, ज्वाइनिंग लेटर योगी बांटते हैं, अभी देखिए पुलिस भर्ती हुई भाई। अब आप सत्ता पक्ष की यही कहते हैं मीडिया जो है, अब वो कहना नहीं चाहिए जो हम पे कहेंगे अभी आपको भी, क्योंकि मीडिया सत्ता पक्ष की ही बात करती है और विपक्ष की बात उठ नहीं, तो कोई गलत चीज बताइए। नहीं गलत बात नहीं है, यही बात है। सरकार क्या गलत कर रही है? नहीं, सत्ता पक्ष कितना गलत कर रहा है उस चीज को आपने उठाया कभी? विपक्ष कितने मजबूती से इस बात को रखा है ये बताइए। ये विपक्ष तो पूरी बात उठाता है, मजबूती के साथ रखा है, लेकिन नहीं। सड़कों पर 69,000 बच्चे दिखते हैं, लेकिन क्या कोई राजनीतिक पार्टी कभी उनके साथ 600-700 दिन जितने दिन आंदोलन किया है, कर राजनीतिक पार्टी उतने दिन बैठ किया? अगर वो आंदोलन करते हैं शिक्षा वाले, अगर कोई राजनीतिक पार्टी जाती है तो कहते वही आरोप लगा दोगे जैसे आप पूछ रहे थे अभी, अभी आपने पूछा वही कि ये तो विपक्ष का राजनीति करने आए और ये नौकरी नहीं है। इस बात से फर्क क्या पड़ता है आपको? आपको तो फिर भी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए ना, क्या निभा रहे हैं आप? जैसे हम विपक्ष में जिस दिन आएंगे, जिस तरह से सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, जो सवाल आप उठा रहे हैं, हम जिस दिन विपक्ष में बैठेंगे उस दिन आप सवाल पूछेगा। चलिए जनता ही बताएगी तो कमेंट में, क्या लगता है रोजगार मिल पाया है आम जनमानस को या आप जैसे युवाओं को? पेपर लीक हो जा रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा तमाम वो लोग हैं जो लखनऊ के इको गार्डन और दिल्ली के धरना स्थल पर धरने देते रहते हैं, कभी जाइए और वहां हालचाल लीजिए। लेकिन विपक्ष क्या इन मुद्दों को सदन में मुद्दा बना के उठाता है? कभी देखा आपने? बिल्कुल उठाता है, बताइए कब उठाए? उठाए हैं सपा के, उठाए हैं नेता, ऐसा नहीं है नहीं उठाए हैं। एक बार तो विधानसभा में उठाए ही है, लेकिन जब सुनने आप समझे नहीं पा जी, जिस तरह से सत्ता पक्ष जब वो विपक्ष में था सड़कों पर आमादा हो जाता था, क्या इस तरह से आज आंदोलन देखते हैं आप विपक्ष का? कहां देखा आपने बताइए? एक दिन देखते होंगे भाई, एक दिन के बाद दूसरे दिन दिखता है वो आंदोलन। सारे विपक्ष पार्टियां डरती हैं। आप नहीं डरते? बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि मैं बेधड़क हूँ, कोई हमारे पास ऐसा नंबर दो पैसा नहीं है। होता तो डरते न, क्यों डरते है? नंबर दो पैसा हमारे पास है ही नहीं, हम करेंगे क्यों? पाल जी, मतलब आपका ये मानना है जी कि रोजगार देने के मामले में सरकार विफल रही? बिल्कुल विफल रही, 100%। बोल रहे हैं कुछ हो नहीं जाएगा आपके? नहीं नहीं, डर नहीं है? बिल्कुल नहीं डर, मैं लखनऊ का निवासी हूँ, यही पैतृक निवास है मेरा, हम ये बता दे रहे हैं पूरी बात, अपना एड्रेस भी दे दूं, ऐसा कोई डर नहीं है मुझे। अच्छा, महिला अपराध बहुत हो रहा है, पूर्व में भी हुए हैं ऐसा तो है नहीं, पूर्व में भी तो अपराध हुए हैं, इतने क्राइम हुए, महिला बड़े बड़े हत्याएं हुई हैं। जैसे योगी जी का जो कह रहे हैं यहाँ भयमुक्त महिला सुरक्षा के बारे की बात करते हैं, आज महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, शायद दूसरी सरकार में इतना नहीं हुआ, इतना अत्याचार होता है। आज मेरी बात सुन लीजिए, आज हरदोई की घट, मैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, देखिए पाल जी, तमाम जगह पर ये बात भी उभर के सामने आई कि कराने वाला विपक्ष पार्टी का कोई ना कोई निकल आता है। भाई देखिए, हम विपक्ष का हो या पक्ष का हो, महिला की बात और महिला की बात है, वो पक्ष विपक्ष उसमें नहीं देखा जाता है कि नाबालिग के लड़की के साथ ये घटनाएं हुई है, उसको चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष को हो, उनको न्याय करना चाहिए, ये होता है शासन। मतलब आप कानून व्यवस्था किस सरकार में दुरुस्त देखी थी आपने? अगर कर ही दीजिए, तारीफ कर देते हैं तो इस समय खाली अगर कानून की व्यवस्था का स्थिति थी तो बहन जी मायावती की बड़ी बढ़िया चौक चौवन थी जी। क्या क्या डर था उस समय प्रशासन में, पुलिस में? देखिए, पहली कड़ी पुलिस ही है, जहां पर कोई भी पीड़ित वहीं जाता है, जब वहां फरियाद नहीं सुनाई जाती तो
हम जैसे पत्रकार लोगों को ढूंढता है या उनके सीनियर अधिकारियों के पास जाता है, डीएम के पास जाता है, एसपी के पास जाता है, अब तमाम जगह पर कमिश्नरेट है, कमिश्नर के पास जाता है, नहीं सुनाई जाती है। उसके शासन में बाहुबली डरते थे, गांव की जनता भयमुक्त थी, अपनी बात खुल करके पुलिस से बताती थी, पुलिस थाने में जाती थी। आज तो पुलिस जाने में ही लोगों को डर लगता है, थाने जाने में डर लगता है। बिल्कुल, कोई कि कहां क्या कह दे, मतलब यही लिए मैं कहता हूं कानून सिर्फ इस शासन में कानून सिर्फ गरीबों का है, बाहुबलियों के ऊपर कोई कानून नहीं। बाल जी देखिए, बड़े आदमियों के ऊपर कानून नहीं लागू। हुई लूट की घटना हुई सीतापुर में, देखिए पुलिस ने एक्शन नहीं किया क्या, एनकाउंटर नहीं किया? मेरी बात सुन लीजिए, आप कभी भी किसी भी बाहुबली नहीं बड़े आदमियों की अगर कोई घटना होती है तो कहीं इसकी जांच शुरू है, जांच एसआईटी बैठा दी गई, ये गठन कर दिया गया, वो गठन कर दिया गया, और वो जांच सत्ता पूरी 5 साल सरकार चली जाती है लेकिन जांच पूरी नहीं होती है। चलिए बात अब आते हैं आपके पास, देखिए बढ़ती महंगाई जी, हम बात कर रहे थे बेरोजगारी और महिला अपराध की, बढ़ती महंगाई, अब महंगाई तो बढ़ेगी ना, आदमी बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है तो आपत्ति क्या है, लेकिन यही मौजूदा सरकार आज महंगाई पर चुप्पी साधी हुए है। वो कहती है कि जब जनसंख्या बढ़ रही है, जब लोग बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी, लेकिन जब यही पार्टी केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों में अब बीजेपी की सरकार है, बहुमत में सरकार बनी हुई है, लेकिन अब ये पार्टी आखिर महंगाई के मुद्दे पर प्रखर नहीं होती, ना कुछ बोलती है, ना महंगाई के लिए कोई बड़ा कदम उठाती है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से महंगाई को लेकर मौजूदा सरकार, मौजूदा पार्टी विपक्ष में प्याज लटका लेती थी स्मृति ईरानी जैसी नेता, आलू लटका लेती थी, गैस सिलेंडर को सर पे लाद देती थी, आज इस तरह से विपक्ष तो नहीं करता भाई? विपक्ष ऐसा अगर सोच ले करने के लिए तो बता रहे हो उठा के उनको इतनी लाठियां मारेंगे और जेल में सड़ा देंगे। तो जब ये लोग करते थे तब कहीं होता नहीं, तब विपक्ष उनकी बात आंदोलन, ये महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन करने के लिए शुरुआत की थी। आज अगर खूबसूरती है हमारे यहाँ तो आंदोलन करने से ही जागरूक जनता होते है, आंदोलन से ही बात सुनी जाती है, सत्ता सत्ता पक्ष अच्छा, सुनता है। ये जो अपनी सरकार है समय बीजेपी की केंद्र में प्रदेश में, कितने दिन के बाद पहुंचा देते हैं, मान लीजिए कोई आंदोलन आपने शुरू किया, जैसे ले लेते हैं किसानों का, 12 महीने लग गए उनको अपनी बात पहुंचाने के लिए, आप सोच लीजिए, और फिर भी हल नहीं हुआ। उनका 1 साल आंदोलन किए, उनको आतंकवादी, पाकिस्तानी, दुनिया भर के उनके ऊपर आरोप लगाए, ये आंदोलन कर रहे थे किसान, आप सोच लीजिए उनका हितैषी नहीं हो सकता है इस हिंदुस्तान में, ये किसके हो सकते हैं? अन्नदाता के साथ नहीं खड़ी है तो किसके साथ हो सकते हैं, आप सोच लीजिए कितनी तानाशाही है। पाल जी, मान लीजिए कभी गठबंधन या किसी तरह से भी सत्ता में आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में जी, प्राथमिकता है क्या होगी महंगाई, बेरोजगारी और महिला अपराध के लिए, कैसे काम करेंगे आप, क्या रणनीति तैयार किया है कि कुछ अलग कर पाएंगे? कि जब सत्ता में पहुंचेंगे सवाल तब आप ये दागेगा, लेकिन तब तो कहा जाता है कि जो लॉबी है आईएएस पीसीएस की लॉबी जी, और विधायक वही होंगे तमाम जगहों पे, सांसद वही होंगे तमाम जगहों पर, और वो दागी भी कहे जा रहे हैं नहीं नहीं तब आपके साथ होंगे, तब नहीं नहीं साथ सत्ता, देखिए एक सरकार बनाने के लिए तो देखिए चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों से मतलब कहां से समर्थन लेंगे सरकार बनाने? इन्हीं लोगों ने राजनीति को गंदी कहने, जनता क्यों कहने लगी कि गंदे लोग उसमें एंट्री करा दिए, अगर बाहुबली है तो कहीं ये जीत लेगा, इसको टिकट दे दो, कितने खूंखार किए, माननीय हमारे योगी जी के ऊपर कितने केस थे सब वापस करा लिए, तो योगी जी हैं उनके बारे में ना बोले, हाँ उनके बारे में ना बोले, हाँ। बाकी सबके बारे में तो देखिए जब कोई अपराधी अपराध कर रहा है तो अगला चौराहा पार नहीं कर पाता है, और अगर कुछ गलत करता है तो बुलडोजर चलवा देते ना, देखिए कानून नियम सब भाई, देखिए जितने सत्ता पक्ष में है वो बढ़िया वॉशिंग मशीन लगी हुई सब धुल जाते हैं, उनके दाग जो भी दाग है
तो आप भी जब सत्ता में आएंगे तो आप उन्हीं लोगों को नहीं लेंगे ना? सवाल ही नहीं, एंट्री नहीं होगी उन लोगों की। ये तो चलिए समय बताएगा। हाँ, समय बताएगा वो तो। चलिए पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सभी पत्रकार बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। भाई, हमारे जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश न्यूज को जितने लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और सब्सक्राइब करें, यही हमारा आप लोगों से उम्मीद है, विक्रम भाई से। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ के पाल साहब, जिन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और महिला अपराध पर अपने विचार रखे। ये भी बताया कि क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, किस तरह से सुधार होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा पार्टी इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं सफल है तो ज्यादा हद तक विफल। लखनऊ के इको गार्डन में हम धरने पर देखते हैं कि तमाम आंदोलनकारी अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए 6-6 महीने साल साल भर से धरने पर है। कभी सीएम, कभी डिप्टी सीएम, कभी दूसरे डिप्टी सीएम, कभी मंत्री, कभी शिक्षा मंत्री, कभी शिक्षा मुख्यालय, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन धरने करते हैं, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं जाता। उम्मीद है हमारा छोटा सा पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को शेयर करें और जो भी बात अच्छी लगी हो या गलत लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।